नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार के मौसम समाचार में। दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों बिहार में पटना सहित 31 जिलों में 24 घंटे में बारिश का अलर्ट है या हल्के से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने एक चक्रवर्ती हवा के क्षेत्र के प्रभाव से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। संबंधित एक चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र फैला है जो अगले 24 घंटे में और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक नमी के कारण आने वाले 24 घंटे में उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के साथ उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में एक या दो जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है और इस दौरान पूरे राज्य में एक या दो जगहों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से चक्रवर्ती हवा का फैलाव पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए हिमालय के तराई तक जा रहा है। इसके साथ ही नमी का प्रभाव बिहार के अधिकांश हिस्से में दिखाई दे रहा है और इसमें बारिश का मौसमी सिस्टम जो है एक्टिव हो रहा है। बुधवार को 31 जिलों में अधिकतर जगहों पर बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। दोस्तों मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 29 सितंबर तक बिहार के सभी हिस्सों में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। 30 सितंबर को बक्सर, रोहतास, भोजपुर, भभुआ, अरवल, औरंगाबाद के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। दो दिनों तक बारिश से मौसम थोड़ा राहत देने वाला होगा। दोस्तों बिहार के मौसम समाचार में अभी के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।